झुग्गी में रहने वाले 2000 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं निलय अग्रवाल। रिसर्चर रहे निलय ने अपने काम के दौरान देखा कि देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग हर रात भूखे सो रहे हैं। एक रोटी से किसी की भूख मिटाई जा सकती है, उसको बचाया जा सकता है। और तब मैंने ये प्रण लिया, जब ये सब मैंने होते हुए देखा कि मैं इस दिशा में कुछ काम करूंगा कि देश में कोई भी भूखा ना सोए। इस तस्वीर को बदलने के लिए उन्होंने लखनऊ में प्रोजेक्ट हंगर की शुरुआत की। आज ये प्रोजेक्ट देश के 18 शहरों में 15 लाख से ज्यादा लोगों तक खाना पहुंचा रहा है। कोविड महामारी के दौरान मैं गुड़गांव की एक झुग्गी में गया, जहां पे मैंने पाया कि कुछ बच्चे हैं जो मिट्टी में खेल रहे हैं और कभी स्कूल नहीं गए। जब इंक्वायरी करी तो पता चला कि ये माइग्रेंट लेबरर्स जो बिहार से आए हैं, जिसके कारण जो है ये पैसे ना होने के कारण, फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होने के कारण, नॉलेज ना होने के कारण ये अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। और तब हमने प्रण लिया कि हम इनके लिए एक सेंटर खोलेंगे, जिसका हमने नाम दिया ड्रीम स्कूल। एक ऐसा स्कूल जहाँ पे ये सारे बच्चे सपने देख सकें। 52 बच्चों से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट आज 18 ड्रीम स्कूल्स में बदल गया है, जहाँ 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। आज इस नेक काम से विशालक्षी फाउंडेशन की 4000 लोगों की टीम जुड़ी हुई है। एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए, अपने एक बच्चे को या दो बच्चों को पालना मुश्किल होता है। हमारे पास 2000 बच्चों का साथ है। इनका स्टेशनरी लाना, इनके लिए स्कूल किट्स अरेंज करना, इनका ट्यूशन फीस अरेंज करना, इनके लिए यूनिफॉर्म अरेंज करना होता है, इनके लिए खाना अरेंज करना होता है, बहुत चीज़ अरेंज करनी होती है, जिसके लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर हमें सपोर्ट करिए, हमारे साथ जुड़िए और जितना हो सके उतना डोनेट करिए। हमारा UPI ID है विशालक्षी @yesbank.com।